हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम महिलाओं को सिलाई मशीन चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, सुई धागे का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आजकल क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम आराम करने का कुछ चलन सा हो गया है, जिसके चलते ही सिजेरियन केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होती है, ज़्यादातर जिसका भी सुनो उसका सिजेरियन ही सुनने को मिलता है। तो आपको बता दें कि आप सिलाई मशीन ज़रूर चला सकते हैं, लेकिन आपको पैरों वाली मशीन यानी पायदान, जिससे पैरों का इस्तेमाल होता है, एक्सरसाइज होती है, उसको प्रेगनेंसी के टाइम नहीं चलाना चाहिए। वैसे यदि आप उस मशीन को चलाते हैं तो आपकी एक्सरसाइज होती है, आपके लिए बहुत अच्छा होता है, पर प्रेगनेंसी के टाइम पैर वाली मशीन बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। आप हाथ वाली मशीन बिल्कुल चलाइए, जब तक आप आराम से बैठकर चला सकती हैं उतनी देर चलाइए। आपको ज़रा सा भी दर्द का महसूस हो या कोई दिक्कत लगे तो आप तुरंत मशीन चलाना बंद कर दें। लगातार मशीन चलाने से आँखों में भी दिक्कत हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आप मशीन चलाएं तो सारा दिन चलाती ही रहें, ऐसा नहीं करना है। आपको जितना ज़रूरत हो उतनी देर चला सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हाथ वाली मशीन आप आराम से चला सकते, इससे आपकी सेहत को, आपके बच्चे पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।